बिग बॉस चालू हो गया है और बिग बॉस का हिस्सा रही है और इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है कि खबरों में रही है जी। बड़ी टीआरपी बटोरी गई पब्लिक ने आपके जसलीन अनूप जलोटा को शायद ही दुनिया हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स हो नहीं जानता। हमारे विकिपीडिया में ही एक दूसरे के नाम आवाज आ चुके हैं। विकिपीडिया में भी आपका सुन दीजिए कहां तक। हां जी, बिग बॉस अब फिर से चालू हो गया है, क्या आप देख पाई हैं बिग बॉस या आप बिजी हैं? मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और एक बहुत लंबे गैप के बाद अब काम फाइनली शुरू हुआ है, तो अब वो से बिग बॉस देख पाना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ आई एम शूटिंग नॉनस्टॉप फॉर माय मूवी नाउ और अनूप जी भी साथ में ही शूट कर रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। कंटेस्टेंट्स भी कितने हैं वो भी नहीं पता है और कौन कौन है ये भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे पता है राहुल वैद्य के बारे में बिकॉज़ राहुल को मैं जानती हूँ, देन जान कुमार शानू का मुझे पता है, सिद्धार्थ गौहर एंड हीना तो हैं ही, कुछ मुझे सुनने में आया कि 2 हफ्ते के लिए कुछ गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनाया है। इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट होने वाला है और हमेशा से रहा है और लोग बड़े मज़े से देखते हैं। जब मैंने भी बिग बॉस किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है कैसे होगा, बट वो जोड़ी वाला कॉन्सेप्ट था और वो कैसे बनता चला जाता है, कैसे चीज़ें अंदर घर में यू नो रहने के टाइम जोड़ियाँ बनी हैं फिर टूटी हैं, वियर्ड कॉन्सेप्ट, मतलब अलग ही लेवल की चीजें होती हैं, सो इट्स फन। क्या जिस फिल्म की आप शूट कर रहे हैं उस फिल्म का नाम हम सबको पता है कि हाँ वो मेरी स्टूडेंट है जी, और क्या मानती हैं कि बिग बॉस ने दुनिया बदली आपकी और आज तक बिग बॉस ही चल रहा है? देखिए ऑफ कोर्स दुनिया बदली है, आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि शायद अगर मैंने कोई सीरियल किया होता या शायद मैंने और कोई काम किया होता तो लोग मुझे उस कैरेक्टर से जानते, उन्हें ये नहीं पता होता कि जसलीन की नेचर कैसी है या जसलीन यू नो इन पर्सन कैसी होगी, वो इमेज मेरी जो रियल जैसी मैं हूँ वो पता ही नहीं चलती। पता कब चलती है? जब हम थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ करते हैं या फिर हम अपने कैरेक्टर में होते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के टैग से उस आर्टिस्ट को देखा जाता है और जाना जाता है और हम सिर्फ एक इमेजिनेशन में होते हैं, हाँ यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ये वो बहू बनी हुई है। पर बिग बॉस की वजह से बेस्ट चीज़ जो मेरी लाइफ में वो ये हुई है कि टुडे व्हेन आई गो आउट किसी भी मार्केट में, यार हमारा कभी दिल करता है हम चले गए कहीं लोखंडवाला पीछे मार्केट में, मैं चली जाती हूँ कुछ भी लेने के लिए निकल जाती हूँ, पीपल जस्ट कम अप टू मी एंड दे टॉक टू मी एज इफ जैसे मतलब यू नो देव नोन मी फॉर एजेस। एक वो चीज़ है कि अरे जसलीन और ये वो आंटियाँ आती हैं मेरे पास और इतने प्यार से तब पकड़ लेती हैं मुझे, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने कमाई है एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ बिग बॉस। इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म भी वही है जो फिल्म फिल्म बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, अगेन वो बिग बॉस वाला फील नहीं है, जोड़ी बिग बॉस की है बट बिग बॉस फील नहीं है। इस मूवी में कम्प्लीटली चीज़ें डिफरेंट हैं, स्टोरी लाइन जो है वो बहुत बेसिक है कि अनूप जी और मेरा रिलेशनशिप क्या है, लेकिन जो फील है जो देखने का मज़ा होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ठीक है अभी आपने बिग बॉस देख लिया तो अब वही सेम अनूप जलोटा एंड जसलीन मथारू को हम इस तरह देख रहे हैं, तो इट्स गोना बी मतलब सेम वाइब नहीं है, इट्स मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब बिग बॉस का जो सवाल लोगों ने पूछा था फिल्म के माध्यम से जवाब दे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट है हमारी कंट्री के, उनका एक एक इमेज बना हुआ है लोगों के यू नो नज़रों में, अब वो एक ऐसे अवतार में आने वाले हैं। वी आर शूटिंग द सॉन्ग नाउ, 2 दिन का शूट है उसका और अनूप जी का जो लुक है उसमें और जो अनूप जी परफॉर्म करने वाले हैं मुझे नहीं लगता किसी ने इमेजिन भी किया होगा। मतलब जब वो गाना रिलीज होगा लोग मतलब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि ये भजन सम्राट है हमारे। मैंने अभी एक इमेज शेयर की थी अपने इंस्टा हैंडल पे और उसकी वजह से कितना कितने मैसेजेस आए हैं मुझे बिकॉज अनूप जी उसमें यू नो ऐसा गन वन लेके, इमेजिन एक इमेज मैंने शेयर की है जिसमें हम दोनों साथ में हैं, पूरा गाना जब देखेंगे तो क्या होगा, फिर उसके लिए आपको वेट करना होगा। क्या प्रमोशन के लिए आप बिग बॉस जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, मतलब बिग बॉस का घर तो यू नो बिग बॉस करने के बाद मैंने जब MSK किया मुझसे शादी करोगे तो सेम घर में था बिग बॉस 13 में, और उस घर में जब मैं जाती हूँ अलग ही वाइब है, अलग ही फील है, मतलब यू वोंट बिलीव। मैंने उसके बिग बॉस के टाइम से जब मैं वापस आई मैंने अपने डिओड्रेंट्स देन बॉडी वॉश और सब कुछ लेकर आई हूँ, मेरा ब्लैंकेट लेकर आई हूँ मैं, और आज भी जब मैं सूंघती हूँ ना तो मुझे इमिजिएटली बिग बॉस के घर में चली जाती हूँ। ऑफकोर्स आई वुड लव टू गो, मैं वहाँ पर जाके प्रमोट करना चाहूँगी, उस स्टेज पर दोबारा एक बार खड़े होना चाहूँगी। क्या
आपने अभी जिक्र किया बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट का, वो स्मेल, वो एम्बियंस। निकिता तंबोली बोल के एक एक्ट्रेस है, बिग बॉस का हिस्सा है जी, उनको लगता है कि ये सब चीजें खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लोगों को ये बोला गया है कि आप इतने तीन तीन चीजें ले सकते हैं, आपको पता है राशन का सबका एक बजट आता है कि आप ये तीन चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको अपना मेकअप का सामान ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और उसी वजह से गौर खाने वाला है जो इतना आपको हम दे रहे हैं, लेकिन एक एक दिन आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि बाकी लोग भी, क्योंकि सामान कम है बाकी लोग भी ले सके, तो उन्हें मेकअप का सामान ज्यादा चाहिए, खाना नहीं चाहिए, तो गौर खाने सबका खाना बंद कर रखा है। ओ माय गॉड, नहीं देखो अभी ये अगर निकिता को अगर खुद ये डिसाइड करना है कि उनको खाना चाहिए या मेकअप चाहिए और उन्होंने अपनी पर्सनल चॉइस रखी है कि उन्हें मेकअप चाहिए, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बिग बॉस हाउस में जहाँ पर आपको सबके लिए चूज करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मुझे ये चाहिए और बाकी लोग सफ़र करें उस चीज़ के लिए, बिकॉज मेकअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू नो एवरीबडी इन द हाउस। तो आपको वो चॉइसेस रखने होंगे और वो प्रेफरेंसेस अपने रखने होंगे जहाँ पे सब सफ़र ना करें और सबको इक्वली मतलब खाना मिले या जो भी चीज़ें हैं सहूलियत की वो प्रॉपर मिल सके। बट अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत ही सेल्फिश बात है और लोग यही सब तो चीज़ें देखते हैं, इसी पे तो वोट करते हैं, वो तो कभी भी नहीं, लोग तो जो ऑडियंस है वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह की कोई चीज़ हो और वो उसको देखना पसंद करें, मतलब बहुत गलत बात हो जाएगी अगर ऐसी है। मैंने देखा नहीं है ऑल दो एपिसोड, बट आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से अगर हुआ है तो इट्स वेरी बैड। हिना मौजूद हैं, गौहर मौजूद हैं, कुछ वक्त के लिए मौका दिया जाता तो जसलीन जाना चाहती और क्या ब्रीफ देती, सीनियर जूनियर की बात हो रही है वहाँ। अरे बहुत मजा आता, अगर मुझे बुलाएं तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी और शायद जो एक्सपीरियंसेस मैंने उस घर में यू नो खुद देखे हैं, जो सीखे हैं, वो मैं शायद उन्हें सिखाना चाहूँगी। जैसे जान है, जान बहुत ही ख़ास दोस्त है मेरे, तो मेरी जाने से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम किसी को बता नहीं सकते। जब मैं भी गई थी तो किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मेरे मॉम डैड को पता था, इवन मेरे पंजाब में जो घर वाले हैं उनको भी नहीं ये बात पता थी कि मैं जाने वाली हूँ ऐसे, पर इसलिए शायद उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, लेकिन अगर वो मुझे बताते तो मैं अंदर जाकर डेफिनेटली यू नो अगर इफ़ आई गो इनसाइड मैं उन्हें ज़रूर हेल्प करूँगी बिकॉज ही इज़ अ स्वीट हार्ट। जान, राहुल वैद्य की बात कर रहे हैं आप, दोनों आपके दोस्त हैं, करीबी हैं जी, किसे आप टफ कंपटीटर मानते हैं? राहुल वैद्य। जान तो बड़ा स्वीट सा है, जान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा। अब वो छोटा भी है, छोटा नहीं बोलूँगी मतलब है 25-26 साल का, लेकिन वो बड़ा सॉफ्ट सा है, मतलब जब वो मुझसे भी बात करता है जसली ही इज टू क्यूट, तो अभी वो क्यूटनेस जो है ना उसको अपनी थोड़ी सी होल्ड पे रखनी पड़ेगी कि बॉस अब आ गया हूँ बिग बॉस घर में, क्योंकि ये अंदाज़ा मुझे भी एक महीने बाद आया था जब मैं बिग बॉस में एंटर करने से पहले अनूप जी मुझे बड़ा बोलते थे जसलीनी तू तो बहुत ही प्यारी है, तू तो बहुत ही भोली है। एक महीने बाद जब अनूप जी ने मुझे देखा तो अनूप जी मुझे कहते हैं तुझे क्या हो गया, तू ऐसी तो नहीं। तो कुछ चीजें वो घर सिखा देता है, and I'm hoping कि जान को भी कुछ चीजें सीखने मिल जाएं। एजाज खान है, पवित्र पुनिया बोल के एक शख्सियत है, वो हैं। अब धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा है, लड़ाई झगड़े चालू होने जी फेकम फाकी होने लगी होगा होगा धीरे धीरे होगा। अभी अब से 2 हफ्ते बाद देखना फिर खाने पर और कुछ मतलब हर लेम चीज पे झगड़ा होने लग जाएगा, मतलब शायद हम बाहरी दुनिया में उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते जो अंदर करते हैं हम, हमें अपने आप पे शक होने लग जाता है। हम मतलब बिग बॉस का घर ना हमें अपने आप से ही रूबरू करवा देता है कि हम ऐसे भी हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। पवित्र पुनिया के साथ में लव एंगल शुरुआत होने की ऐसी आहटें दिख रही हैं कि किसकी? राहुल वैद्य, राहुल एंड पवित्र। यस, अरे बाप रे, मैं आपका सामान, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो क्या आप मुझे देंगे? हाँ, मैं कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब चल रहा है, एंगल चल रहा है यार। हर साल एक एंगल तो बन ही जाता है, लोगों को अंदर धीरे धीरे प्यार होने लग जाता है, तो अभी ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? तो हो जा रहे हैं, पहले भी कहा था कि मैं प्यार की तलाश में हूँ, यू नो। अच्छा, प्रोमो शॉट इन सच वे। हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो सिंगल ही था, तो क्या पता होगी क्या पवित्र और राहुल। मुझे पवित्र, मैंने इतने ध्यान से उसको नहीं देखा है पवित्र को, लेकिन पता नहीं यार, राहुल तो मुझे बड़ा रोमांटिक सा भी लगता है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट बिकॉज अभी 2-3 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से,
तो रुकते हैं थोड़ा सा, अभी देखते हैं एक दो हफ्ते बाद। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी जोड़ी बन गई है, दो हफ्ते बाद ये दोनों ही कट्टर दुश्मन भी बन जाए, ये भी हो सकता है, मैं बता दूं आपको। आखिरी दफा राहुल ने उनसे उनकी उम्र तक पूछी थी कि आपकी उम्र क्या है। अच्छा, और उस पे पवित्र ने कहा मैं टर्न अराउंड करती हूं, सी मैं बैक एंड जज हाउ मेनी यू नो हाउ ओल्ड आई एम। अरे बाप रे, मैं क्या बोलूं, किसी लड़की से उसकी उम्र पूछना गलत बात है राहुल। यही बोल सकती हूं अब तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।